द केरला स्टोरी से दीदी को लग रहा है डर। सपने में भी दिख रही है शालिनी उर्फ फातिमा बी। उसके मासूम चेहरे को देखकर डर गई दीदी। आईएसआईएस से क्यों है इतना इश्क, एक बार फिर दिखा दीदी का दोगला चेहरा। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को कर दिया बैन। ओबीसी की हल्क में आ गई जान, कर दिया फिल्म का विरोध। ओबीसी ने पीएम मोदी को लेकर कह डाली ऐसी बात कि गुस्से में आ गए राष्ट्रवादी। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अदिति शर्मा। द केरला स्टोरी पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिल्म को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ देश के पीएम ने फिल्म का समर्थन किया है, फिल्म की तारीफ की है, कहा है कि द केरला स्टोरी एक अच्छी मूवी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस फिल्म का विरोध कर रही है। अब इस लिस्ट में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी नाम शामिल हो गया है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय भी विरोध कर रहा है, दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी फिल्म को लेकर हंगामा मचा हुआ है। फिल्म 5 मई को रिलीज हो गई है, पर मूवी को बायकट करने और रिलीज को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी और केरल हाई कोर्ट ने रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ फिल्म द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो राज्य की शांति व्यवस्था खराब हो सकती है। और हद तो तब हो गई जब ममता दीदी की तरफ से आदेश जारी किया गया कि किसी थिएटर में अगर फिल्म चल रही है तो उसे तुरंत हटाया जाए और जो इस आदेश का पालन ना करे उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। दीदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले द कश्मीर फाइल से कश्मीर के लोगों का अपमान किया, फिर द केरला फाइल से केरल के लोगों का अपमान किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी फिल्म्स, चाहे वो अभी हाल ही में रिलीज हुई द केरल स्टोरी हो या द कश्मीर फाइल्स हो, बीजेपी ऐसी फिल्मों को फंडिंग कर रही है। और ममता बनर्जी को भी ये डर सता रहा है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद बंगाल पर भी निशाना साधा जाएगा और बंगाल की भी फाइल्स को तैयार करवाया जा रहा है। ममता दीदी को बंगाल फाइल्स बनने पर डर सता रहा है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात करूंगी और बताऊंगी कि बीजेपी के साथ सीपीएम के कुछ लोग मिले हुए हैं और फिल्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी से पूछा, क्या मिलता है आपको आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होकर और क्या मिलता है ऐसी सोच को बढ़ावा देकर। भाजपा नेताओं का कहना है कि ममता ने यह प्रतिबंध कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए लगाया है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय अब तृणमूल से दूर जा रही है और सागर घीघी विधानसभा उपचुनाव उसका नतीजा है। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ट्वीट किया कि आश्चर्य की कोई बात नहीं, यह उनसे अपेक्षित है। यह सच्ची कहानियों पर आधारित है और दिखाता है कि कैसे इस्लामवादी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं और बाद में आईएसआईएस आतंकवादी बनने के लिए भेजते हैं। दीदी सच्चाई से आंखें मूंद लेना चाहती है। वह बंगाल के लोगों, विशेषकर महिलाओं को इस कठोर वास्तविकता से वंचित कराना चाहती है। बंगाल में लव जिहाद के मामले आम हैं। बंगाल ने जब भी जरूरत पड़ी देश का नेतृत्व किया है, उनका फैसला इसके विपरीत है। प्रतिबंध लगाकर उनको फिर से साबित कर दिया है कि वह बंगाल का भला नहीं होने देना चाहती। भाजपा ने कहा कि फिल्म की वजह से बंगाल में कानून और व्यवस्था को कोई खतरा नहीं था। अकेले कोलकाता में एक दर्जन से अधिक सिनेमा घरों में यह फिल्म दिखाई जा रही थी। यह फैसला सिर्फ कुछ विशेष लोगों के समूह को खुश करने के लिए लिया गया है। वहीं AIIMIM के चीफ ओवैसी भी पीछे नहीं हटे। फिल्म के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी एक्टर होने के साथ साथ
फिल्म प्रमोटर भी बन गए हैं। वो 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी झूठी फिल्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में हुए एक कर्नाटक रैली में पीएम मोदी ने द केरला फाइल्स का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, बीते कुछ सालों में आतंकवाद का भयानक रूप पैदा हो गया है, केरल जैसे राज्य में ये तेजी से फैल रहा है। कांग्रेस अब फिल्म पर बैन लगाकर आतंकी तत्वों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये बस चीजों पर बैन लगाना जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवाद का नया स्वरूप क्या है, उसे मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। ये बंदूक और हथियार के अलावा नए तरीके से समाज को खोखला करने का काम करते हैं। इस फिल्म में आतंकवाद के नए चेहरे का पर्दाफाश किया गया है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने आतंकी संगठनों के सामने घुटने टेक दिए। कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद से कभी नहीं बचाया। हम सभी ने सालों तक इस पीड़ा को झेला है। पीएम के साथ साथ बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी समर्थन में आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म द केरला स्टोरी को बैन किए जाने के बाद फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान विपुल ने कहा कि बंगाल में फिल्म के बैन के जाने पर हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की सरकार हमें टारगेट करने की कोशिश कर रही है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी फिल्म चल रही है, जैसे केरल में। हम यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री करे। आपको बता दें, द केरला फाइल्स पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, बावजूद इसके फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है और अब तक 35 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। इन सभी पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।